आग लग गई और आग की वजह से सारे कमाद की तबाही हो गई है। इधर सारे ये देख सकते हैं आप लोग, आग लग चुकी है ये सारे। इतनी जल्दी आग लगी ना, इतनी तेज़ी से फैली है कि हम आपको बता नहीं सकते, इतनी ज़्यादा स्पीड से और आवाज़ भी काफ़ी थी। दरमियान से सारा फारग हो चुका है कमाद, काफ़ी नुकसान हुआ है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज आप लोग इस वक्त देख सकते हैं मैं तैयार हुआ हूँ जुमे के लिए, और अभी जुमा पढ़ने चलते हैं। तो मिलते हैं जुमे के बाद, शोरकोट का प्रोग्राम था तो साथ वीडियो भी बनाते हैं और मिलते हैं जुमे के बाद। इस वक्त आप लोग मुझे देख सकते हैं मैं शोरकोट मौजूद हूँ, या फिर देख सकते हैं इधर मेन रोड के नज़दीक है हॉस्पिटल, तो उधर मैं आया हूँ, वहाँ से पैसे लिए हैं बाबा से। और ये आप लोग देख सकते हैं पीछे मेरे बाहू हॉस्पिटल बना हुआ है, इधर से पैसे लिए। अभी हम चलते हैं आगे बैंक, बैंक में फीस जमा करवाते हैं, फिर आगे हमने दोस्त के पास जाना है, उसके पास चलते हैं, फिर उधर जाकर वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग मुझे देख सकते हैं मैं बैंक ऑफ पंजाब के एकदम सामने मौजूद हूँ, और अभी फीस जमा करवाते हैं, उसके बाद चलते हैं दोस्त की तरफ, उधर जाके फिर बाकी वीडियो बनाते हैं। इस वक्त आप लोग मुझे देख सकते हैं मैं दोस्त के ड्राइंग रूम में मौजूद हूँ, और सामने इस वक्त आप लोग देख सकते हैं खाना वगैरह पड़ा है। अभी खाना खाते हैं फिर वापस चलते हैं। और किताब वगैरह मैंने लेनी थी, किताब ली है मैंने, गाइड लेनी थी, और फीस भी जमा हो गई है। अभी खाना वगैरह खा कर चलते हैं वापस, हो जाते हुए व्लॉग भी बनाते हैं। दोस्तों इस वक्त आप लोग देख सकते हैं मैंने साथ ये देख सकते हैं, और मैंने बुक भी इधर ले ली है साथ में, और मैं इस वक्त घर की तरफ वापस जा रहा हूँ। दोस्त की तरफ से भी हो ली है, मैंने फीस भी जमा करवा दी है, और घर जा रहा हूँ मैं इस वक्त। घर जा कर देखते हैं क्या सोचा रहता है। अब थोड़ा कमाद को आग लगी थी, तो उधर जा कर देखते हैं कि क्या बना है। अभी घर चलते हैं, घर जा कर देखते हैं क्या हालात वगैरह, क्या सूरत हाल है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्त के साथ भी शेयर करें। बाकी वीडियो आगे जाके बनाते हैं हम लोग। इस वक्त आप लोग मुझे देख सकते हैं कि मैं इस वक्त घर पर मौजूद हूँ, घर पहुँच गया हूँ मैं। और ये इस बाइक पर गया था, पुरानी बाइक पर, क्योंकि नई बाइक के ऊपर नंबर नहीं लगा हुआ, तो उधर पुलिस वगैरह होती है तो पुलिस वगैरह पकड़ सकती है। तो फिर आपको पता ही है, फिर जब पुलिस वगैरह पकड़ ले तो बहुत मुश्किल से देती है बाइक। और ये आप लोग पूछेंगे कि ये तार क्यों पड़ी है, ये जो सारी इधर तार वगैरह पड़ी है, ये हमारा ट्रांसफार्म जल गया था गांव का, तो हमने कहीं और से दूसरा ट्रांसफार्म जो था, दो गांव के दो हिस्से हैं ना, तो जो था दूसरे हिस्से में जो से थे ना वो ट्रांसफार्म लगा, उस ट्रांसफार्म से हम तार लेकर आए हैं, और घर में चल रही है बिजली, वरना बिजली हमारे घर है नहीं। दो दो पोर्शन है, एक एक तीन दो दो मीटर है हर घर के लिए, और एक एक मीटर चल रहा है। और आप लोग देख सकते हैं सामने मस्जिद बनी हुई है, और मतलब कि इस वक्त अब जा रहे हैं हम लोग कमाद की तरफ, देखते हैं क्या सूरत हाल है उधर। तो इस वक्त आप लोग देख सकते हैं मैं इधर मौजूद हूँ, ये सामने वाला कमाद है जिसको आग लगी है, आप लोग देख सकते हैं पूरी तरह जल चुका है। सिर्फ ये इस तरफ ये जो सा कॉर्नर है, ये वाला ये जो सा कॉर्नर है, इतना सा हिस्सा बचा तकरीबन, इतना सा थोड़ा सा बस, बाकी सारे कमाद को आग लग चुकी है और मुकम्मल तौर पर जल चुका है। तो इधर से ये साथ राया लगा हुआ, अभी चलते हैं आगे, हम जाके देखते हैं उधर क्या मतलब सूरत हाल है। तकरीबन अभी कटाई वगैरह शुरू हुई ही थी कमाद की, कि आज ये वाकया हो गया है। अभी एक ट्राली भी पूरी नहीं हुई थी कमाद से, मिल भेजने के काबिल भी नहीं, अभी इतना कटा था कि हो जाए, पूरा हो जाए मतलब कि कमाद ट्राली जितना। अभी कटाई शुरू हुई थी, लोग भी उधर कोई नहीं मौजूद थे, पता ही नहीं है किसी को कि आग कैसे लगी है। कुछ लोग कोई जो गुजरे थे रोड के साथ से, उनसे पूछा तो वो बता रहे थे कि इधर कोई बच्चा वगैरह था, उसने आग लगाई है, मतलब वो माचिस की तीली से उसने आग लगाई है, वो उसने फेंकी थी तो आग लग गई। लोगों ने काफ़ी कोशिश की थी कि आग बुझे, लेकिन आग काफ़ी तेज़ थी, बुझी ही नहीं आग। ये आप लोग देख सकते हैं इधर काफ़ी नुकसान हो गया। ये साथ इस तरफ राया लगा हुआ है, और ये आप लोग देख सकते हैं इधर टोटली जल चुका है कमाद, और काफी जल्दी जला था, सिर्फ 10 मिनट में 2 किलो को आग लग गई थी। ये आप लोग देख सकते हैं इधर इस तरह सारा जल चुका है।
सिर्फ इतना सा ये सामने ये वाला कमाल, इससे पीछे थोड़ा सा इतना सा हिस्सा वो बस बचा, बाकी सारे को कमाल को आग लग गई है। इधर पानी वगैरह भी नहीं मौजूद था, ये खाला था, ये भी सूखा हुआ है, पानी वगैरह भी नहीं मौजूद था कि पानी से आग बुझ जाती। लोगों वगैरह ने काफ़ी हमारे साथ मदद की थी, लेकिन अब आग थी, हवा काफ़ी तेज़ थी तो बुझ नहीं सकती। ये देख सकते हैं आप लोग, इधर से भी काफ़ी नुकसान हुआ है, लोगों ने यहाँ से गुजरना शुरू किया था। ये देख सकते हैं आप लोग, इधर राया सारा गिर चुका है एक साइड पर, ये देख सकते हैं इधर राय का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। ये देख सकते हैं इधर से कमाल ठीक है सारा, अंदर वाली साइड से जल चुका है, राय का भी नुकसान हुआ इधर। ये आप लोग देख सकते हैं, ये इतना सा हिस्सा ये जो सा ठीक है मौजूद, बाकी इधर सारे ये देख सकते हैं आप लोग आग लग चुकी है, ये सारे ये उधर सारे आग लग चुकी है। ये आप लोग देख सकते हैं थोड़े बहुत ये गन्ने मौजूद हैं इधर, ये जो से कटे हुए थे ये, और ये सिर्फ यही कमाल था जो सा कटा हुआ पड़ा था, बस अभी हाथ लगा इस कमाल को कि आग लग गई और आग की वजह से सारे कमाल की तबाही हो गई है, काफ़ी नुकसान हुआ इधर से। अभी हम अंदर चल के देखते हैं, उन लोग अंदर गए नहीं हैं। इधर से आप लोग देख सकते हैं इस जगह से एरिया थोड़ा सा बना हुआ है, इधर से लोगों ने अंदर आने की कोशिश की ताकि कमाल को अलहदा अलहदा कर सकें। ये आप लोग देख सकते हैं इस जगह से, आप लोग देख सकते हैं इधर इस जगह से ये, ताकि कमाल को अलहदा अलहदा कर सकें और आग ना लगे। लेकिन आग भी काफ़ी तेज़ थी कि आग लग गई थी, और ये देख सकते हैं सारे कमाल की हालत खराब है, इतना सा हिस्सा बचा है थोड़ा बहुत साइड से बस, बाकी सारे कमाल को आग लग चुकी है। आप लोग देख सकते हैं ये रोड है, रोड के साथ ही इधर खाला है, खाले के साथ ही आप लोग देख सकते हैं इधर कमाल ये पड़ा था, और ये कटा हुआ कमाल पड़ा था जो अभी ट्राली पर लोड करके हमने भेजना था, थोड़ा बहुत कमाल ये इधर कटा हुआ पड़ा था इस जगह पर, और वो भी जल चुका है, और इसके ऊपर खोरी दी थी ये भी जल चुका है। और ये आप लोग देख सकते हैं इधर इस वक्त बंदे लगे हुए हैं कमाद की छिलाई करने, और कमाद छीला जा रहा है जो बच चुका है, ये जो थोड़ा बहुत रह चुका है, ये थोड़ा बहुत इस साइड से रहता है कमाद, शुक्र है थोड़ा बहुत बच चुका है, ये तकरीबन एक दो रेरे हो जाएंगे साइड से, अंदर से जल चुके हैं साइड साइड किनारा किनारा बच गए। इस जगह से आप लोग देख सकते हैं इधर ये सारा उधर तक एंड तक इतना सा एरिया है जो सा बच गया, बाकी सारा जल चुका है ये अंदर वाली साइड से। आग भी कहीं वहाँ से लगी थी, इस जगह से कहीं आग लगी थी, इस जगह से अंदर वाली साइड से ना, इस जगह से अंदर वाली साइड से कहीं आग लगी थी, और आग आगे बढ़ती गई है क्योंकि हवा की डायरेक्शन भी इसी तरह से, इस तरफ हवा की डायरेक्शन थी, और इतनी जल्दी आग लगी ना, इतनी तेज़ी से फैली है कि हम आपको बता नहीं सकते, इतनी ज़्यादा स्पीड से और आवाज़ भी काफ़ी थी। ये आप लोग देख सकते हैं इधर से भी, ये देख सकते हैं आप लोग जल चुका सारा, मैं देखता हूँ वीडियो वगैरह मैंने बनाई थी उसके क्लिप मैं डाल दूंगा अंदर जब आग लगी थी। ये आप लोग देख सकते हैं इधर, ये यहाँ से भी लोगों ने ये लोग गुजरे हैं, और काफ़ी मतलब ये देख सकते हैं आप लोग, इधर लोगों ने काफ़ी बचाने की कोशिश की थी कि कमाल बच जाए, नुकसान ना हो, अंदर से रास्ते वगैरह बनाए थे, एक और तरह से उन्होंने रास्ता बनाया था ताकि कमाल बच जाए, लेकिन आपको वो भी दिखाते हैं, लेकिन उधर से भी नहीं रास्ता बना। ये आप लोग देख सकते हैं इधर कमाल इस तरह खड़ा जैसे डंडे खड़े होते हैं, इस तरह जल चुका है मुकम्मल तौर पर, साथ साथ आप लोग देख सकते हैं इधर से हम गुजर रहे हैं। ये आप इधर देख सकते हैं, मेरे पास कुछ क्लिप पड़े हैं, वो मैं इधर वीडियो में लगा दूंगा जब आग वगैरह लगी थी। और ये आप लोग देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर कमाल की हालत ख़राब हो चुकी है। हवा की डायरेक्शन भी सारी इसी तरफ थी ना, तो इसलिए इस तरफ से सारा ज़्यादा ख़राब हो गया कमाल। अभी हम गुजर रहे हैं चारे में से,
ये आप लोग इधर देख सकते हैं, दरमियान से सारा फारग हो चुका है कमाद, काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी अंकल से पूछा था कि कमाद जाएगा मिल में, वो कह रहे जाएगा तो सही क्योंकि हल्का फुल्का कमाद के अंदर है जूस, लेकिन उस रेट पर नहीं बिकेगा जिस रेट पर असल कमाद बिकता है। और इधर आप देख सकते हैं ये हम लोग दूसरी साइड पर निकल आए हैं कमाद की, और ये सारा जल चुका है। इस जगह पर भी कमाद था, वो काट के हम लोगों ने मिल में भेज दिया था कमाद, ये वाला कमाद। और मतलब ना पिछला जो सा व्लॉग बनाया था उस व्लॉग के अंदर मैंने ये आपको इधर ट्रैक्टर वगैरह चलाया था जब उधर, उस उधर भी वीडियो बनाई थी, मेरे पिछले व्लॉग में है वो वीडियो सारी। और इधर ही आप लोग देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और इधर से ये देख सकते हैं आप लोगों ने लोगों ने रास्ता बनाया था, ये आप लोग देख सकते हैं अंदर अंदर से काफ़ी आगे तक लोगों ने जाने की कोशिश की थी, रास्ता बना हुआ अंदर से कमाद के अंदर से, ताकि आग वाला जैसा कमाद था वो उन्होंने एक इस साइड पे कर दिया कमाद और दूसरा इस साइड पे कर दिया था, ताकि कमाद वगैरह बच जाए आग ना लगे, जो सब बच सकता है वो तो बचे, लेकिन हवा की इतनी तेज़ थी कि कमाद फिर भी नहीं, आग इतनी तेज़ थी कि रुकी ही नहीं आग। और आप लोग देख सकते हैं हम उसी जगह पर पहुंच चुके हैं, और आप लोग देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर जल चुका है कमाद और काफ़ी नुकसान वगैरह हुआ है। इधर तक इन्होंने रास्ता बनाया था, इधर तक इन्होंने रास्ता बनाया था पीछे से लेके, वो जिधर ये देख सकते हैं आप लोग इधर मेरा भाई जा रहा है, इधर तक इन्होंने रास्ता बनाया था, बाहर से आना शुरू हुए थे अंदर तक और जगह बनाई थी, लेकिन वो कमाद आपको पता है फिर कमाद के साथ खोरी लगी होती है, तो खोरी की वजह से वो खोरी भी सूखी होती है, तो रुकी नहीं ज़रा भी आग, नहीं रुकी इतनी जल्दी में आग ने कमाद को जला दिया कि 10-15 मिनट में 2 किलो को आग लगी। अब आप लोग आगे सोच सकें कितना प्रेशर होगा आपका, कितनी स्पीड होगी आग की, देख सकते हैं आप लोग ये सारे उड़ के आप लोग देख सकते हैं आए हुए ब्लैक ब्लैक से, आप लोग देख सकते हैं फर वगैरह जो से होते हैं, तो खोरी की वजह से वो खोरी भी सूखी होती है, तो रुकी नहीं ज़रा भी आग, नहीं रुकी इतनी जल्दी में आग ने कमाद को जला दिया कि 10-15 मिनट में 2 किलो को आग लगी। अब आप लोग आगे सोच सकें कितना प्रेशर होगा आपका, कितनी स्पीड होगी आग की, देख सकते हैं आप लोग ये सारे उड़ के आप लोग देख सकते हैं आए हुए ब्लैक ब्लैक से, आप लोग देख सकते हैं फर वगैरह जो से होते हैं, अभी हम वापस चलते हैं घर और यहीं पर आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। तो आज के व्लॉग का इंतजाम करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोज़ के बारे में आपको पता चल जाए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।